हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूट्यूब कवर सॉन्ग के बारे में। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था कि यूट्यूब कवर सॉन्ग हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो उसमें मैंने बताया था कि जो भी पेड सॉफ्टवेयर्स हो गए या फिर ऑडासिटी हो गया, उसके थ्रू हम लोग बना सकते हैं अगर आपके पास लैपटॉप है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जीरो बजट में, कि अगर आपके पास कुछ भी पैसे नहीं है, आपके पास जीरो रुपीज़ हैं, तो भी आप एक YouTube कवर कैसे बना सकते हो, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ भी परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, एक भी रुपया इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है Android मोबाइल। ओके, तो अगर आपके पास Android मोबाइल है तो आप सारी चीज़ें कर सकते हो। तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि हमें फोर चीज़ों की ज़रूरत होती है। जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है ऑडियो रिकॉर्डिंग। सबसे पहले हमें ऑडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है कवर सॉन्ग बनाने के लिए। उसके बाद हमें ऑडियो को एडिट करना पड़ता है, मतलब ऑडियो में इफ़ेक्ट डालना हो गया, और भी रिवर्ब और फिर जो भी कंप्रेशन का काम हो गया, इक्वलाइजेशन का काम हो गया, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग हो गया, वो सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है ऑडियो में। उसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप होता है वो वीडियो का पार्ट होता है। वीडियो पार्ट में होता है, पहला होता है वीडियो रिकॉर्डिंग, की पहले हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कैसे करें, और दूसरा जो हमारा होता है वीडियो को हम लोग एडिट कैसे करें। तो फोर पार्ट में फिर से आपको बताता हूँ। पहला हो गया ऑडियो रिकॉर्डिंग, फिर ऑडियो एडिटिंग, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग, फिर वीडियो एडिटिंग, ये सारी पार्ट होती है। तो इसके लिए हम लोग सारी चीज़ें करेंगे सिर्फ मोबाइल पे ही, और फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग कैसे एक अच्छा सा जो वीडियो है वो हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो जो सबसे पहला हो गया ऑडियो रिकॉर्डिंग, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए मैंने पहले भी आपको जो वीडियो बना के बताया कि कैसे हम लोग ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं और कैसे एडिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो लेक्सिस ऑडियो एडिटर है उसके थ्रू हम लोग कैसे ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं और ऑडियो को एडिट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला काम है कि आप एक सबसे पहले आप सॉन्ग को सेलेक्ट कर लो कि कौन से सॉन्ग पे आपको जो कवर सॉन्ग बनाना है। तो उसका जो आप कैरियोके है, कैरियोके को आप डाउनलोड कर लो, यूट्यूब में आपको उसका कैरियोके मिल जाएगा। कैरियोके को डाउनलोड कर लेने के बाद आपको क्या करना है कि उसको आप दूसरे मोबाइल में लगा लो या फिर लैपटॉप से लगा करके दूसरे कान में लगा लो, और जो आपका मोबाइल है मोबाइल में रख करके आप उसको गाओ। ओके, तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक टेक में आप पूरे सॉन्ग को कर सको। ओके, उसके बाद उसको कान में लगाना है दूसरे मोबाइल से, और इस मोबाइल से आपको क्या करना है कि जो हमारा ऑडियो रिकॉर्डर है, ऑडियो रिकॉर्डर में हमें गाना है। गाने के बाद हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर देंगे ऑडियो लेक्सिस ऑडियो एडिटर पे। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद हम लोग जाएंगे लेक्सिस जो ऑडियो एडिटर है उस पर जाएंगे, और जितने भी हमारे इफ़ेक्ट्स हो गए, जैसे इको हो गया, रिवर्ब हो गया, और फिर कंप्रेसर हो गया, इक्वलाइजेशन हो गया, सारी चीज़ें उस पर हम लोग करेंगे, और जो नॉइज़ रिमूवल है नॉइज़ रिमूवल करेंगे, उसका मिक्सिंग एंड मास्टरिंग करेंगे। और फिर क्या है कि हमारा जो भी उसको एक प्रोफेशनल क्वालिटी का जो ऑडियो होता है, ऑडियो हम लोग क्रिएट कर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, और हमें जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो उसके लिए हम लोग जाएंगे प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद हमें यहाँ पे टाइप करना है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। तो यहाँ सबसे ऊपर में आ गया लेक्सिस ऑडियो एडिटर, यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे तो लेक्सिस ऑडियो एडिटर आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हो 1 मिलियन डाउनलोड्स हैं, इसके जो रेटिंग है वो 4.3 है। ओके, और ये देखने में कैसा होता है, ये आपका स्क्रीनशॉट है, ऐसा ब्लैक कलर का रहेगा, आप नीचे देख सकते हो, तो ऐसा ये देखने में रहेगा। एक बार हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे, तो मेरे फ़ोन में ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसे डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ। तो आप इसे इंस्टॉल कर लो और ओपन कर लो। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे 5 बटन बने हुए हैं। ओके, तो पहला जो है वो प्ले के लिए है, दूसरा है पॉज के लिए, तीसरा रिकॉर्डिंग के लिए है। ओके, और जो सबसे लास्ट में हुआ स्टॉप करने के लिए। ऊपर आप देख सकते हो जूम के बटन्स हैं, और यहाँ पे हमारे इफ़ेक्ट्स हैं जो भी है, तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, इफ़ेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं कि हमें सबसे पहले क्या है रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। जो भी हमें वॉइस रिकॉर्ड करना है उसे हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग इस पर इफ़ेक्ट डालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, कोई भी सॉन्ग अगर आप कैरियोके के साथ अगर उसे गाना चाहते हो तो दूसरा जो आपका फ़ोन हो गया, एक फ़ोन ले लो, फ़ोन पे आप कैरियोके को प्ले करके और अपने कान में लगा लो, दूसरे कान में जो आपका हेडफोन है उसके थ्रू, और यहाँ पे आप गाओ। तो दोनों क्या है कि बाद में आप उसको सिंग कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट यूट्यूब का कोई वीडियो बना रहे हो और उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है तो आप डायरेक्ट भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग बटन है रेड कलर का आप देख सकते हो, वहाँ पे इसको हम लोग प्रेस कर देंगे और हम लोग को जो भी सॉन्ग गाना है वो हम लोग गा सकते हैं यहाँ पे। तो देखते एक बार, दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बहके,
सच्चिया मोहब्बत निभा के दिल दिया गला करांगे नाल नाल बह के सच्चिया मोहब्बत निभा के। तो दोस्तों ये हमारा सॉन्ग रिकॉर्ड हो चुका है, अभी हम लोग इस पे इफ़ेक्ट डालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जाएंगे यहाँ पे राइट में जो कॉर्नर में है वहाँ पे इफ़ेक्ट्स है, यहाँ पे आप सेकंड नंबर पे देख सकते हो, इफ़ेक्ट्स में जाएंगे सबसे पहले और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चले जाएंगे नॉइज़ रिडक्शन पे। तो नॉइज़ रिडक्शन पे हमने क्लिक कर दिया, इस पे कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग इसको अप्लाई कर देंगे। तो ये जो जितने भी नॉइज़ थे इसमें ये सारे निकल चुके, एक बार हम लोग प्ले करके देखते हैं इसको। दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बह के सच्चिया मोहब्बत निभा के दिल दिया गल्ला। अभी नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है उसमें हम लोग इफेक्ट्स में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर पे क्लिक कर देंगे। कंप्रेसर क्या करता है कि कोई भी जो हमारा एक्स्ट्रा जो नोट्स है वो ऊपर चला गया, जो रेंज से बाहर जा रहा है उनको क्या करता है, लेवल में कर देता है। तो कुछ भी जो हमारा साउंड है वो फटता नहीं है, जैसे कुछ दिल करांगे नाल नाल, तो यहाँ पे नाल में हम लोग हाई गए तो यहाँ पे क्या है कि कभी कभी वो बाहर चला जाता है रेंज से। तो इन सारी चीज़ों जो भी हमारे हाई नोट्स होते हैं और उनको बराबर कर देता है वो। तो हम लोग कंप्रेसर पर जाएंगे, इसको डायरेक्ट हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो ये कंप्रेसर भी अप्लाई हो गया। उसके बाद क्या है कि इफ़ेक्ट्स में जाएंगे हम लोग फिर से, और यहाँ पे हमारा इक्वलाइज़र एंड एम्पलीफायर। तो जो भी हमारा जो वॉइस होता है उसको जो लिमिट होता है उसी के अंदर में वो उसको एम्पलीफाई करता है, मतलब वॉल्यूम को इंक्रीज़ करता है। तो मास्टरिंग के लिए यूज़ होता है। तो इसमें जो भी हमारा कम साउंड था वो हमारा लेवल उस सबका सही हो जाता है। उसके बाद क्या है कि फिर से हम लोग जाएंगे इफ़ेक्ट में और लास्ट जो है हमारा इको पे चले जाएंगे। इको को हम लोग यहाँ पे जो इको लेवल है इसको हम लोग सिर्फ 10% रखेंगे, बाकी डिले ऐसा हो गया फीडबैक इसको 20%, तो इसको ज़्यादा नहीं रखेंगे। इको लेवल है, इको लेवल को ज़्यादा नहीं रखेंगे करके फिर हम लोग इसको अप्लाई कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें होगी, एक बार हम लोग इसको प्ले करके देखते कैसा सुनने में आता है ये। दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बह के सच्चिया मोहब्बत निभा के दिल दिया गल्ला करांगे रोज रोज बह के सच्चिया मोहब्बत निभा के दिल दिया गल्ला। तो इस तरह से क्या है कि आप स्टूडियो क्वालिटी का जो रिकॉर्डिंग होता है उस तरह का जो आप जो आपका वॉइस इसको आप बना सकते हो। तो सबसे पहले जो आपका नॉइज़ है नॉइज़ को आप हटा दो। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले जो नॉइज़ है नॉइज़ को हमने रिमूव कर दिया। फिर कंप्रेसर क्या करता है, जो भी एक्स्ट्रा लेवल्स हैं उनको हटा देता है। एम्पलीफायर क्या करता है कि जो भी हमारा जो बच गया, जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हो गई उनको एम्पलीफाई करता है। और जो इको है, इको हमारा थोड़ा एक इफ़ेक्ट डालता है ताकि वो सुनने में अच्छा लगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अप्लाई कर देंगे और जो भी हमारा एक अच्छा जो क्वालिटी होता है स्टूडियो में जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उस टाइप का जो हमारा क्वालिटी होता है वो बन जाता है। फिर हम लोग सेव पे जाएंगे। सेव पे जाने के बाद जो भी हमारा नाम है, नाम डालने के बाद दिल दिया गल्ला 456 करके हमने इसे सेव कर दिया। अब क्या है कि अगर आप कैरियोके बनाना चाहते हो तो जो हमारा पहला ट्रैक है उसको हम लोग एक ट्रैक में डाल देंगे, दूसरा जो हमारा ये जो इफ़ेक्ट वाला साउंड हो, जो हमारा वॉइस हो गया उसको दूसरे ट्रैक में डाल देंगे और उसके साथ हम लोग इसको एडिट कर देंगे। तो ये काम हम लोग वीडियो एडिटर में कर सकते हैं, पावर डायरेक्टर के साथ हम लोग ये कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, प्रीमियर हो गया या फिर आपके पास फिल्मोरा हो गया, ये सारी चीज़ आप यूज़ करके इनको मिक्स कर सकते हो। तो यही एक तरीका था, जैसे अगर आपको मोबाइल में ही अगर ऑडियो को एडिट करना है वो क्रिएट करने के बाद। तो हमारा दो स्टेप पहला हो गया, पहला रिकॉर्डिंग हो गया फिर एडिटिंग हो गया। उसके बाद क्या है कि हमें सारी चीज़ों को मिक्स करना है, मतलब वीडियो एडिटिंग करना है। तो वीडियो एडिटिंग करने से पहले हमें वीडियो रिकॉर्ड करना होगा। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो कि बैकग्राउंड में आप ब्लैक पर्दा लगा लो या फिर आप ग्रीन पर्दा लगा लो या फिर बैकग्राउंड में आप जो भी आपको अच्छा लगे, आउटडोर शूट कर रहे हो तो उसे हम लोग नॉर्मल जो हम लोग मोबाइल से जो शूट करते हैं वो शूट कर लेंगे,
शूट करने के बाद क्या है कि हमें अब जो भी है उसको मतलब वीडियो को एडिटिंग करना पड़ेगा, और जो हमारा सॉन्ग है, सॉन्ग जो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया उसे रिमूव करके, जो वीडियो का जो साउंड है उसे रिमूव करके, जो हमारा ओरिजिनल साउंड है, ओरिजिनल साउंड जो हम लोगों ने वॉइस जो रिकॉर्ड किया उससे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा उसे, ओके। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे जो हमारा सॉफ्टवेयर है पावर डायरेक्टर, उस पर हम लोग जाएंगे और उसको वीडियो को एडिट करेंगे। तो पावर डायरेक्टर में मैं आपको बता दूं कि अगर आप पावर डायरेक्टर यूज़ कर रहे हो तो आपको बहुत उसमें जो लोगो रहता है पावर डायरेक्टर का वो आता रहेगा, बट अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हो तो आप आसानी से कर सकते हो। तो उसके बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जाओ यूट्यूब पे टाइप करो हाउ टू रिमूव पावर डायरेक्टर और हाउ टू गेट द क्रैक वर्जन ऑफ पावर डायरेक्टर, तो आपको जो पावर डायरेक्टर है वो आपको मिल जाएगा। वो मिल जाने के बाद क्या है कि आप कैसे हम लोग वीडियो को डाल करके उसके नीचे जो ट्रैक से हमने जो ट्रैक रिकॉर्ड किया है उसको हम लोग कैसे डाल करके मिक्सिंग कर सकते हैं, उसका प्रोसेस मैं आपको एक बार बता देता हूँ जाके फोन पे पावर डायरेक्टर को ऑन करके। तो ये सारी चीज़ें होगी, पहला जो हो गया ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गया, ऑडियो एडिटिंग हो गया, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, वीडियो रिकॉर्ड हम लोग कर सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। फिर जो हमारा ट्रिकी प्रोसेस है वो है वीडियो एडिटिंग का, तो एडिटिंग हम लोग जा करके कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपके पास लैपटॉप है आपके पास और फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप करना चाहते हो तो आप डाउनलोड कर सकते हो, सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है फिल्मोरा। ये फिल्मोरा जो है वो वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ होता है, तो ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप पा सकते हो। आपको क्या करना है कि आपको पहले उसको डाउनलोड करना है, उसे हमें रजिस्टर करना पड़ता है। तो अगर आपको रजिस्टर करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही रजिस्टर करना है, तो आप यूट्यूब पे जाओ और वहाँ पे टाइप करो हाउ टू गेट द क्रैक वर्जन ऑफ फिल्मोरा। तो फिल्मोरा का हम लोग क्रैक वर्जन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे उसको रजिस्टर कर सकते हैं, उसके बहुत सारे वीडियोज जो हैं वो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। तो अगर आप उसको रिमूव नहीं करोगे तो आपका लोगो आता रहेगा। तो आप कैसे कर सकते हो, तो या तो पावर डायरेक्टर यूज़ कर लो, या फिर आप जो हमारा दूसरा वाला सॉफ्टवेयर है फिल्मोरा, लैपटॉप अगर आपके पास है तो, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो फ़ोन से ही अगर आप करना चाहते हो तो फ़ोन से भी आप आसानी से कर सकते हो जो पावर डायरेक्टर है। तो मैं आपको पावर डायरेक्टर में एक बार बताता हूँ कि पावर डायरेक्टर से कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग चलेंगे फ़ोन पे और जो हमारा एडिटिंग है, एडिटिंग प्रोसेस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि अभी हम लोगों को कैसे वीडियो और जो ऑडियो है हमारा उसे सिंक करना है, क्योंकि हम लोगों ने जो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया उसके साथ जो ऑडियो आया है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं रहता, साथ में हमारा जो बैकग्राउंड नॉइज़ है वो सब आता रहता। तो जो हम लोगों ने जो ऑडियो रिकॉर्ड किया और उसे मिक्सिंग किया, उस पर इफ़ेक्ट्स डाला, वो जो ऑडियो है उसको हम लोग वीडियो के साथ कैसे मैच करेंगे, और साथ ही साथ जो हमारा कैरियोके बैकग्राउंड ट्रैक है उसको भी हम लोग कैसे मैच करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाएंगे और यहाँ पे हम लोग डाउनलोड कर लेंगे पावर डायरेक्टर। पावर डायरेक्टर ऊपर में ही आ गया ये पावर डायरेक्टर। तो ये है हमारा वीडियो एडिटर, आप देख सकते हो सबसे ऊपर में, और ये मेरे जो फ़ोन है उसमें इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, तो मैं इसे ओपन कर लूँगा। तो ये हमारा ओपन हो गया। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लोग न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। न्यू प्रोजेक्ट होने के बाद यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आता है नाम के लिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया। कुछ भी नाम हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, कुछ भी नाम डालने के बाद हम लोग इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। अभी क्या है कि हमारे पास आप नीचे देख सकते हो तीन ट्रैक हैं, एक पहला वीडियो के लिए है, दूसरा दो ऑडियो के लिए है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें जो वीडियो है वीडियो को हम लोग सेलेक्ट करके इसमें डाल देंगे। तो ये हमारा मेन विंडो है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसमें हमें जैसे डालना है कुछ भी वीडियोस डालना हुआ तो लेफ़्ट साइड में हमारा जो सेकेंड बटन है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। लेफ़्ट साइड में सेकेंड बटन, उसको क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया। तो वीडियो डालने के लिए आप अपने वीडियो पे चले जाओ, जहाँ पे भी वीडियो आपका सेव है उसको आप ओपन करके यहाँ पे जो प्लस बटन है प्लस बटन को क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा वीडियो यहाँ पे आ गया, ओके। तो ये वीडियो हमारा आ चुका है। अभी हमें क्या करना है, ऑडियो डालना है यहाँ पे। तो ऑडियो डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे भी हमारा ऑडियो अवेलेबल है वहाँ पे हम लोग चले जाएंगे। तो आप देख सकते हो थर्ड नंबर पे ऑडियो है, ऑडियो पे हम लोगों ने क्लिक कर दिया। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कहाँ पे हम लोगों ने वॉइस को रिकॉर्ड किया है। तो ये है हमारा एक वॉइस है, इसको हम लोग डाल देंगे। और सेकंड नंबर पे जो हमारा कैरियोके होगा, कैरियोके को हम लोग
डाल देंगे। तो ऐसे हमारे 3 ट्रैक हो गए, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो सबसे पहला ट्रैक हो गया वो वीडियो का हो गया। उसके बाद हमारे 2 ट्रैक्स हैं, पहला जो हम लोगों ने गाना गाया वो है, तीसरा जो हो गया हमारा जो कैरियोके है हमारा, वो कैरियोके को इस पे डाल देंगे। और हम लोग यहाँ पे जा करके इसको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कुछ भी करना हुआ, जहाँ से भी हमें स्टार्ट करना है तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसको शिफ्ट करके, जो भी हमारा ऑडियो है इसको हम लोग ऐसे शिफ्ट करके, और जहाँ से भी हमारा स्टार्ट हो रहा है अगर वो मैच नहीं कर रहा तो आगे पीछे करके हम लोग उसको, जो हमारा कैरियोके और जो हमारा वॉइस रिकॉर्ड किया दोनों को मैच कर लेंगे। उसको साथ ही साथ हम लोग वीडियो के साथ भी जो हमारा लिप्स है उसको भी मैच कर देंगे। तो इस तरह से क्या है कि हम लोग जो ऑडियो को वीडियो के साथ में मैच कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें, तो मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। पावर डायरेक्टर में बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत सारे ट्रांजिशंस हैं, वीडियो इफ़ेक्ट्स हैं और टेक्स्ट के ऑप्शंस हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे टच नहीं करूँगा, उसके लिए मैं अलग से एक लेसन बनाऊँगा। और तो ये था बेसिकली जो भी हमारा सिंकिंग कैसे करना है, हमें कवर सॉन्ग बनाना है तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, और फ़ोन से ही मैंने कैसे बनाया है बहुत सारे वीडियोस को, बहुत सारे कवर सॉन्ग्स को। तो उनके कुछ लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो आप जा करके देख सकते हो कि कैसा क्वालिटी होता है, कैसा वीडियो होता है और कैसा जो फाइनल आउटपुट होता है वो बन करके आता है, हम लोग देख सकते हैं। तो यही था पूरा वीडियो, कैसे हम लोग बना सकते हैं शुरू से लास्ट तक, कैसे हम लोग 0 रुपीज़ इन्वेस्ट करके, 1 भी रुपये नहीं लगा करके हम लोग कैसे जो हमारा वीडियो है, कवर सॉन्ग है, कवर सॉन्ग को आसानी से बना सकते हैं, यूट्यूब पर डाल सकते हैं और जो ज़्यादा ज़्यादा व्यूज़ है उसको हम लोग गेन कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।